हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साहिल मोरडिया। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो पे। तो आज की वीडियो है आपकी गाड़ी पे जो स्क्रैचेस लगे हुए थे उसको आप कैसे रिमूव करें अपने घर पे ही। तो मैंने एक कोलगेट ली है 10 वाली, आप ले सकते हैं। आपके पास ये वाइट जो प्योर वाइट होती है वो कोलगेट ले सकते हैं आप। और मेरे पास ये दूसरा है स्क्रैच रिमूवर, अगर कोलगेट से हो तो कोलगेट से, वरना इससे मैं करूँगा। ये ऑनलाइन तो नहीं मिलेगा आपको, ये मैंने जो पेट्रोल पंप पे जो किट बेचते हैं 600-700 रुपये वाली, वो किट ली थी तो उसके साथ ये स्क्रैच रिमूवर आया था। इसे तो स्टेन लिखा हुआ है, पर जो स्क्रैच आते हैं जो छोटे छोटे आते हैं माइनर से, वो इससे रिमूव हो जाते हैं। जैसे कि दूसरी गाड़ी का जो पेंट लगा हो, हल्का सा लगा हो तो वो रिमूव हो सकता है। जो बच्चे साइकिल चलाते हुए अपने साइकिल का पेडल लगा दे तो उसका जो ब्लैक मार्क रह जाता है तो वो भी रिमूव हो सकता है। ऐसे छोटे छोटे से स्क्रैचेस जैसे हैंडल के पास रह जाते हैं वो सब रिमूव हो सकते हैं इससे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो ये वीडियो तो ये आप देख पा रहे हैं हैंडल के पास के स्क्रैच है। तो आइए पहले कोलगेट से इसको रिमूव करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा लग गया, मैं दूसरे हैंडल के सेट लगा देता हूँ, चलेगा। चलो ना खतरा। तो आपको इसे सिंपली रब करना है। एक 3-4 वाटर ड्रॉप्स डाल के फिर से आप रब कीजिए, ड्राई हो जाए तो। ये आप देख पा रहे होंगे काफी क्लीन हो गया है। आपको ज्यादा दबा के नहीं करना है रब, वरना स्क्रैचेस ज़्यादा हो सकते हैं कोलगेट की वजह से। ये देखिए पूरा क्लीन हो गया ये पोर्शन, और नीचे देख पा रहे होगे जहाँ पे चाबी लगती है वहाँ पे कितना लाइन लाइन है, और ये यहाँ पे देखो पूरा क्लीन हो गया। तो मैंने ये पूरा एरिया क्लीन कर दिया है, देख पा रहे होगे ये तो कोलगेट के मार्क्स है जो सूख गया है। अभी मैं प्रॉपर क्लीन करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं पूरे स्क्रैचेस गायब हो गए, एकदम क्लीन हो गया। ये कोलगेट से मैंने रिमूव किया है। अभी दूसरे साइड के हैंडल से जो स्टैंड रिमूवर होता है उससे
ये भी क्लीन हो गया है। अब मैं दूसरे साइड के भी क्लीन कर दूंगा, ये देख ले लीजिए, ये दोनों तरफ के हैं, ड्राइवर साइड के हैं, ये लेफ्ट साइड का है, इसमें भी बहुत स्क्रैच है, तो इसको भी मैं कर लूँगा। ये मैंने करके ले लिया है, देख सकते हैं वो जहाँ पे रबिंग की है वो पूरा एरिया नया जैसा दिख रहा है, और साइड का एरिया थोड़ा डल सा दिख रहा है, वो वेदर की वजह से होता है कि आपके डस्ट तो ये आपने वो सब देखा कि लगते हैं मैंने तो वहाँ कैसे सारे पे। स्क्रैच रिमूव कर दिए। ये मैंने इको पे किया है, i20 में ज़्यादा कुछ स्क्रैच थे नहीं, तो फिर कैसे करूँ मैं। तो इको में थे, हैंडल के पास बहुत सारे थे, और काफ़ी बार ऐसा होगा कि आप स्क्रैच रिमूव करने जाए पर वो स्क्रैच इतना डीप हो जाता है कि वो गाड़ी के जो पहला लेयर होता है वो पूरा निकल चुका होता है। तो उस कंडीशन में एक कोलगेट वाली या कोई भी ट्रिक नहीं काम करेगी, आपको डेंटिंग पेंटिंग ही कराना पड़ेगा। और आपने देखा कोलगेट सूख जाए तो आप थोड़ा 2-3 बूंद पानी डाल के स्पंज पे आप वो गीला करके उसको फिर से रब कीजिए, वो निकल जाएगा। ऐसे छोटे छोटे माइनर से जो स्क्रैच होते हैं, जो पेड़ पौधे से लग गए हो या फिर चलते फिरते आपकी गाड़ी किसी ऐसी बिजी एरिया में रहती है जहाँ पे सब ऐसे टकरा कर चलते हैं तो कपड़े से उनके निशान लग जाते हैं, तो वो निकल जाएंगे। और बाकी आपको ज़्यादा ऐसे दबा के रब नहीं करना है, वरना कोलगेट के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे वो ज़्यादा स्क्रैच कर देंगे, तो थोड़े टाइम बाद बहुत दिखेगा। तो बस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।